भारतीय जनता पार्टी एक महिलाओं की सुरक्षा पार्टी है। मैडम सवाल है, सवाल है, आप भाषण मत दीजिए, सवाल है तो सवाल मेरा ये है राजू विधायक से, यहाँ के सदर विधायक दो बार रह चुके हैं, शराब पी के शाम को महिलाओं लड़कियों को गालियां देते हैं, धमकाते हैं। इन्होंने जवाब दे रहा हूँ, इन्होंने, अरे मैडम इसका जवाब मैं दे रहा हूँ, जवाब दे, इन्होंने इन्होंने गलत तरीका, प्लीज आप सुनिए, इन्होंने मेरे खिलाफ बात पंजीकृत कराया था, कोई सबूत पेश नहीं कर सकी, माफी मांगी है, माफी मांगी है, माफी मांगी है, कोई सबूत नहीं कर पाई पेश, माफी मांगी है। बताइए समाजवादी पार्टी के अलावा दूसरी कोई सरकार यहाँ नहीं बनेगी, समाजवादी पार्टी में मुद्दे हैं, मैं बता रहा हूँ, किसान परेशान है, युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहा, बेरोजगारों पे लाठियां बरस रही, मैम लोकतंत्र में सरकार ऐसी होनी चाहिए कि सिंपैथी होनी चाहिए, महंगाई बढ़ रही है, किसान किसान परेशान, नौजवान बेरोजगार, ये है इनका इशू, पूछ रहे हैं इस पर राकेश जी जवाब। मैनपुरी की जनता जानती है, मैं तो मैनपुरी की जनता के सामने कह रहा हूँ, 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा था इन्होंने अपनी सरकार में, 57 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा, बात नहीं करेंगे किसानों के मुद्दे पर, बात नहीं करेंगे, इन्होंने इन्होंने अपने सरकार के समय में किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान किया 95,000 लाख मीट्रिक टन, हमने खरीदा, हमने भुगतान किया 1,60,000 करोड़ रुपया, कौन किसने भुगतान किया है, किस गन्ना किसानों का, किसने खरीदी है गेहूं की फसल? अगर आप हिजाब और अब्बा जान में फंसा के रखिएगा तो रोजगार पर क्या जवाब दीजिएगा? सही बात है, उत्तर प्रदेश में हमने रोजगार दिया है, 4.5 लाख भर्तियां हमने उत्तर प्रदेश में की है बिना भाई भतीजावाद के, ये तो सैफई में महोत्सव कराते थे, सैफई में इनके लिए रोजगार देते थे, बॉलीवुड की नर्तकियों को केवल, इनके लिए मौज मस्ती ही केवल इनकी सरकार चलाने का जरिया था। देखिए फिर आप लोगों के सवाल नहीं पाए, एक इल्जाम लगता है कि परिवार ने, जो अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव का परिवार है, वो सिर्फ मैनपुरी सैफई यही इलाकों में टावा अपने ही इलाकों में विकास किया, बाकी जगहों इनके मुख्यमंत्री, इनके मुख्यमंत्री, इनके मुख्यमंत्री जिस जनपद से आते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव ने वहाँ पर एम्स की स्थापना की थी, आप पता करिए, झांसी में किया, जौनपुर में किया मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में, यूपी का कोई जिला बताइए जो 4 लेन से न जोड़ दिया हो, ये विकास की बात नहीं करते, ये विकास की बात नहीं करेंगे, दवाई की बात नहीं करेंगे, पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान हिजाब अब्बा जान, अरे मुद्दों की बात करो, मुद्दों की बात करो, मैं तो मुद्दे की बात कर रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 300 रुपए की पेंशन मिलती थी, 300 रुपए समाजवादी पेंशन, और वो भी इनके कैडर को मिला करती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने उसको 1,000 रुपए करने का काम किया, और हमने संकल्प लिया है कि सरकार 10 मार्च का बनने के बाद हम 1,500 रुपए पेंशन देने का काम करेंगे। इनके शासनकाल में फर्रुखाबाद के कायमगंज में सोनाक्षी सिन्हा और जैकलिन फर्नांडिस को भी राशन मिल रहा था, आप देखिए जैकलिन फर्नांडिस और सोनाक्षी सिन्हा भी एक भाजपा के रोजगार को लेकर, मेरा भाजपा के माननीय सभी नेताओं से एक सवाल है, जब काशी में बहुजन समाज के सफाई कर्मचारियों का पैर धोके नाटक जो माननीय मोदी जी ने किया, और मैं भारतीय जनता, क्या आपका सवाल मेरा ये है, क्या पैर धोके सफाई कर्मचारियों के बच्चों का पेट भर जाएगा, क्या सफाई, जवाब दीजिए राकेश, देखिए सफाई कर्मचारियों को मान दिया है, सम्मान दिया है, हमने उनको रोजगार भी दिया है, कुंभ के मैदान में भी प्रधानमंत्री जी ने, देश में पहली बार दृश्य है, आपको पीड़ा हो रही है ना हरिजनों के पैर धुलने से, बहुजन समाज के पैर धुलने से आपको पीड़ा हो रही है ना, हमेशा आपने दलितों को अपमानित किया है, पीड़ित किया है, प्रताड़ित किया है, उनके जमीनों को कब्जा करने का काम किया है।